friends this is vikram prasad balya in usa or america in this video i have shown how we make uh, our spicy chutney or you may call sauce uh, which i like to use uh, in my uh, some of the foods uh, so please see फ्रॉम बिगनिंग टिल एंड एंड देन सब्सक्राइब शेयर एंड कॉमेंट जो मेरे हिंदी स्पीकिंग भाई हैं आप जानती हैं कि हिंदुस्तान का जो खाना होता है कितना इस्पाइसी होता है और ताज़ा बनाया जाता है और उसी वक्त ताज़ा खाना खाया जाता है एक दिन तक खाया जाता है दो दिन तक खाया जाता है लेकिन मोस्टली एक दिन में खाया जाता है चाहे वो सब्ज़ी हो चाहे गोश्त हो चाहे मटन हो जो भी हो यहाँ पर जो है जो हम ये दिखाए हैं कि हमको अच्छा लगता है कि हम एक अपना स्पेशल चटनी बनाएं और या उसको कहिए सास बनाएं जो हम चाहें कि केवल भात में डाल के खाएं तो हम भात में खा सकते हैं या ए, कहिए कि अगर हमको रोटी से खाना है तो रोटी से खा सकते हैं पूड़ी से खाना है तो पूड़ी से खा सकते हैं तो जब हम ये वाइफ से बोले तो वो हमको हेल्प की कि कैसे बनाना है और हम जो है इसमें प्रेजेंट किए हैं ये उन्हीं का बनाया हुआ है मेरे वाइफ का नाम आप जानते हैं इंदिरा है वो देवरिया की रहने वाली हैं और आप कई खाना उनका बनाया देख चुके हैं कि बहुत अच्छा खाना बनाती हैं तो आप इसको देखिए कि सबसे पहले आ, ये है जो अनियन काट करके उसको भूनना पड़ता है और भूनने के बाद जब हाफ हो जाता है या थोड़ा सा यू नो ट्वेंटी फाइव परसेंट हुआ तो गार्लिक डाल रहे हुए हैं इसमें और जब वो हो गया है करीब हाफ वे तो स्पाइसेस डाला गया है इसमें और स्पाइसेस इस आप जानते हैं कि कम से कम पाँच से सात स्पाइसेस हैं जो कि अंत में हम दिए हुए हैं जीरा हुआ धनिया हुआ काला मिर्च हुआ इलायची हुई लौंग हुआ हल्दी हुआ तो ये तो सभी जानते हैं हिं। हिंदुस्तान में कि जो आठ से दस मसाले जो हैं इतने मशहूर हैं कि मैं क्या कहूं? लेकिन आप ये समझिए कि अमेरिका में भी हम लोग स्पाइसी खाना खाते हैं लेकिन हमेशा नहीं खाते हैं आ, क्योंकि यहाँ पर वो इस्टमक का प्रॉब्लम कुछ लोगों को करता है तो मेरा सजेशन यही है कि आप देखिए लेकिन ज़रूर ही आप ये वाच करें कि स्पाइसी जो खाना होता है कोई भी वो है हार्ट बर्न करेगा स्टमक प्रॉब्लम करेगा और उसके बाद भी जो है कभी कभी ब्लीडिंग करता है तो ये इसकी इसलिए मेरा सजेशन यही है कि इसको आप सांस की तरह से यूज करें या चटनी की तरह से यूज करें और ज़्यादा रेड पेपर नहीं डालें जो रेड पेपर डालने से ही ज़्यादा यू नो हार्ट होता है स्पाइस अगर आप अप्रोप्रिएट डालें तो वो स्पाइसी नहीं करता है हालांकि उसमें स्पाइस लगता है तो उसकी मात्रा जो है कम बेसी की जा सकती है तो ये है कि जैसे हम बोले कि ये मेरा फेवरेट है जो कि हम कभी कभी चटनी की तरह से या सॉस की तरह से इसको खाते हैं और वाइफ जब ये बनाती हैं तो उसको लेकर के हम एक पैन में अलग रख देते हैं रेफ्रिजरेटर में जो कि करीब करीब एक महीने तक चलता है तो यही हम सोचे कि हम आपको दिखाएं कि देखिए अमेरिका में भी जो इन हिंदुस्तानी लोग हैं और हर एक प्रांत के लोग हैं वो जो हैं अलग अलग के रहने वाले हैं और यहाँ बहुत इंडियन लोग हैं लेकिन जो है उनका खाना जो है अलग है ये जो आप देख रहे हैं ये टिपिकल पंजाब हरियाणा यूपी बिहार मध्य प्रदेश या कहीं नॉर्थ इंडिया का ज़्यादा वाला ये मामला है तो आप ये भी जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में एक बनता है मिर्ची का नो पाउडर जो कि लोग भात में डाल के या रोटी के साथ भी खाते हैं और वो बहुत पॉपुलर है लेकिन आ, हम लोग उस पाउडर को नहीं खाते हैं हालांकि इंडियन स्टोर्स में वो मिलता है तो ये डाल देखिए अभी वाइफ्स इसमें नमक डाली हैं और ये जो है पकाया जा रहा है और पकाते पकाते इसमें जो है बहुत अच्छा फ्लेवर आने लगता है जब फ्लेवर आने लगे और उसमें जब तेल छूटने लगता है तो कहा जाता है कि हाँ ये आ, जो है प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा है तो आप ये देखिए कि ए, ए, इसको आ, जो हम आपको बोले कि हम लोग उसको हमारे लिए वाइफ अलग से रखती हैं एक कंटेनर में जो कि हम एक महीना करीब करीब खाते हैं थोड़ा थोड़ा ले कर के भात के साथ या भात दाल और सब्ज़ी के साथ या रोटी के साथ सो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय